हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्लेडियम की सैपलिंग्स मंगाई हैं जो कि हमने एक व्हाट्सएप सेलर के थ्रू मंगाई हैं। तो इसमें 6 सैपलिंग्स हैं और जो कि हमें 500 रुपये की पड़ी हैं। तो मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और पैकिंग तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से पैकिंग करके इन्होंने भेजा है। और बाकी इसको जो है अभी देखते हैं खोल करके कि किस टाइप के जो है इसमें निकलेंगे ये। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसको अनबॉक्स कर दिया है और देखते हैं अब पैकिंग कैसी होगी। पैकिंग लेकिन काफ़ी अच्छी जो है इन्होंने भेजी है। ये देखिए कितने मोटे गत्ते में, मतलब कि कवर करके भेजा है। तो बाकी तो अभी देखते हैं सैपलिंग्स। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से है। और क्लेडियम हमारे पास पहले भी हैं लेकिन ये अलग तरह के क्लेडियम हमने मंगाए हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर सा ये इसके जो लीव्स हैं वो लग रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके जो ये लीव्स हैं वो कितनी ज़्यादा सुंदर हैं। तो हम इनको अभी लगा भी देंगे और मैं इनको रिपोर्टिंग करूँगी तब भी मैं आपको इसे शेयर करूँगी। तो ये देखिए कितने प्यारे हैं इसके लीव्स और एकदम मतलब सही है अभी ये जो प्लांट हैं क्लेडियम के, और थोड़े से डिफरेंट हैं ये। तो हमने ये एक व्हाट्सएप सेलर के थ्रू मंगाए हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी लीव्स कितनी ज़्यादा सुंदर हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये दूसरी तरह का है क्लेडियम और इसके पत्ते भी काफ़ी मतलब जो सैपलिंग्स है ये क्लेडियम की, ये देखिए इसके भी थोड़े से अलग है बिल्कुल। ये लीव्स बहुत ही डिफरेंट टाइप के हैं और ये मेरे पास पहले कभी नहीं थे। इसका कलर बिल्कुल एकदम मरून है और इसमें थोड़ा वाइट भी वेरीगेटेड है। और ये देखिए कितना सुंदर है ये वाला जो लीव्स है, और ये वाला तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है ये प्लांट। नीचे की पैकिंग आप इस तरह से इन्होंने की, आप देख सकते हैं। और ये है तो, और ये देखिए ये थर्ड नंबर का है। तो इसके लीव्स भी काफ़ी अलग हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। और उसके अलावा एक ये वाला तो शायद हमारे पास था, तो शायद ये वही है। और इसके अलावा एक ये है, इसकी लीव्स भी थोड़ी सी ऐसी हैं। तो और एक ये वाला है, तो इसकी लीव्स आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की है। तो ये मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ कि कितने सारे हो गए हैं ये। और ये सबसे बड़ा वाला जो है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा है और बाकी जो ये सब छोटे छोटे से जो हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये 6 पूरे जो है कंप्लीट हो गए हैं। और ये है लास्ट, ये देखिए इसकी जो पत्तियाँ हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो मेरे हाथ में कैमरा भी है और प्रोफेसर जी वीडियो बिल्कुल नहीं बनाते, तो मुझे दिखाना भी पड़ता है और इस तरह से मुझे कैमरे को भी हाथ में रखना पड़ता है। तो ये वाला देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है, इसकी लीव्स जैसे कि स्पाइडर वो बनाती है ना अपना घर, तो कुछ कुछ इस तरह से लग रहा है, बहुत सुंदर सा। और सारी जो है डिफरेंट सी हैं, बस मुझे एक थोड़ा सा ऐसे लगा जो मेरे पास शायद पहले है ये वाला जो है, तो ये लग रहा है ऐसा। और इस तरह से ये देखिए मैं आपको सारा अभी इकट्ठा करके दिखाती हूँ। तो सबकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और बहुत ज़्यादा जो है सुंदर है। तो ये देखिए ये है, और ये वाला जो है सबसे बड़ा है जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये काफ़ी बड़ा प्लांट है क्लेडियम की जो सैपलिंग है, मतलब कि ये काफ़ी बड़ी है, मैं तो इसे प्लांट ही कहूँगी पूरा। तो सैपलिंग्स है और बाकी ये जो है छोटी छोटी ये इस तरह से हैं। तो ये है सारी मेरी क्लेडियम की सैपलिंग जो कि अब हम रिपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ना, ये जो सैपलिंग है या ये प्लांट जो भी है, तो ये इन्होंने हमें जो है फ्री में इनके साथ भेजा है।
तो पहले भी इन्होंने फ्री में जो है भेजा था, जब हमने पहले भी इनसे मतलब कि प्लांट्स मंगाए थे। और इसके जो लीव्स हैं वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि प्लास्टिक के हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम देखने में प्लास्टिक की तरह है ये। और प्लांट भी जो है काफ़ी बड़ा है, ये भी सैपलिंग्स जो भी है। तो थैंक यू फ्री में देने के लिए, बाकी होने के बाद ही पता चलेगा कि ये हमारे यहाँ होगा या नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे प्लांट जो है सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, एकदम डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स बस अब चलिए, इनको जल्दी जल्दी हम रिपोर्ट भी करेंगे, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये जो है सॉइल रेडी कर ली है, और बस अब मैं जो भी क्लेडियंस की सैपलिंग्स हैं उनको लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तक उनको नहीं रख सकते, गर्मी अभी ज़्यादा है और बारिश जो है एक ही बार हुई है। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम जो सॉइल है एकदम से जो है भुरभुरी सी यानी पोरस टाइप की बनी हुई है। और इसी तरह की वेलड्रेन सॉइल जो है हमें बनानी चाहिए, जिसमें जो है प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव कर सकें। और जो ये क्लेडियम है तो इन ऐसे प्लांट्स के लिए जो है बिल्कुल वेलड्रेन सॉइल बनानी चाहिए। तो इसमें ये देखिए हमने एक भाग जो है गार्डन सॉइल का लिया है, एक भाग मैंने इसमें रेतीली मिट्टी यानी रिवर सैंड का लिया है, और एक भाग हमने इसमें जो है कंपोस्ट का लिया है। कंपोस्ट में इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है हमने, और इसके अलावा ये जो कोकोपीट है तो थोड़ा हम इसमें कोकोपीट भी ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से इनको जो है ऐड करके ये वेलड्रेन सॉइल बनाई है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम पोरस ये सॉइल बनी है। तो अब मैं अपने ये सारी जो क्लेडियम के सैपलिंग्स हैं उनको रिपोर्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहला मेरा क्लेडियम का सैपलिंग्स ये देखिए इस तरह से, और ये जो है ऑलरेडी कोकोपीट में है और एकदम फ्रेश ही लग रहा है। तो बस इस तरह से जल्दी जल्दी ये सारे जो हैं क्लेडियम के सैपलिंग्स को रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि सॉइल मेरी रेडी हो गई है। ये देखिए बिल्कुल, और प्लांट बिल्कुल एकदम सही है। तो ये सारे जल्दी जल्दी से मैं रिपोर्ट कर लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरे ये सारे क्लेडियम के जो सैपलिंग्स थे ये सब देखिए मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं, और ये देखिए अब कितने सुंदर लग रहे हैं सभी के, बिल्कुल न्यू न्यू अलग अलग देखिए लीव्स हैं। तो और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई है, तो मेरे कैमरे भी जो है भीग जाएगा। तो बस ये वीडियो मैंने आपसे शेयर किया, और आगे जो भी इसका अपडेट होगा वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और बहुत तेज़ आंधी भी आ गई है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।